चेहरे के कई हिस्सों पर पिगमेंटेशन यानी स्किन का काला पड़ना एक बहुत आम समस्या है। ये समस्या खास तौर पर महिलाओं में देखी जाती है। इस पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से ही स्किन पर मैल दिखने लगता है। कई बार डेड स्किन के कारण भी ठुड्डी पर गंदगी दिखने लगती है। व्हाइट हेड्स भी ठुड्डी के पास होने वाले स्किन संबंधी समस्याओं में से एक है। इन सभी दिक्कतों को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय बेहद कारगर होते हैं। आप घर पर स्क्रब बनाकर इस पिगमेंटेशन और सफेद दानों को दूर कर सकती हैं। आइए हम आपको बताते हैं ठुड्डे के मैल को दूर करने के लिए घरेलू उपाय। कॉफी स्क्रब। सफेद दाने और ठुड्डे के कालेपन के लिए आप कॉफी स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्क्रब को बनाना बेहद आसान है। आपको इसके लिए दूध, शहद और कॉफी की जरूरत होगी। एक चम्मच कॉफी में एक चम्मच दूध और आधा चम्मच शहद मिलाएं। अब इस मिश्रण से ठुड्डी पर हल्के हाथ से स्क्रब करें। ये स्किन को इवन टोन करने के साथ ही इसमें जमे गंदगी और डेड सेल्स को दूर करता है। बेसन। स्किन केयर में बेसन को हमेशा से इस्तेमाल किया जाता रहा है। बेसन से ठुड्डी के लिए अच्छा एक्सफोलिएटर तैयार किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक चम्मच बेसन, एक चम्मच दूध और एक चम्मच गुलाब जल लेना है। आप चाहे तो सादा पानी भी ले सकती हैं। तीनों चीजों को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और इसे चेहरे को स्क्रब करें। स्किन एक्सफोलिएट होने पर पिगमेंटेशन जल्दी से दूर हो जाता है। ठुड्डी के मैल को हटाने के लिए नींबू और चीनी को मिलाकर 1 से 2 मिनट के लिए ठुड्डी को स्क्रब करें। इसे आप हफ्ते में 2 बार ठुड्डी को स्क्रब कर सकते हैं। ये ठुड्डी के कालेपन को भी दूर करता है।